दोस्तों ये इमरजेंसी है, किसे बताऊं? जिसे बता रहा हूं वो समझ नहीं पा रहा है, जो देख रहा है वो समझने को तैयार नहीं है। लेकिन बताऊं तो किसे बताऊं, इमरजेंसी केस है। अगर जिसे बताने का कोशिश कर रहा हूं तो नफरत करने लगता है, जिसे कहने का और बताने का चाह रहा हूं, सोच रहा हूं, दूर होने लगता है। बताऊं तो किसको बताऊं, समझेगा तो कौन इस बात को समझेगा, कहूं तो आखिर किसको कहूं, इस बात का सलूशन निकलेगा। लेकिन केस को सुनने के लिए हजारों लोग खड़े हुए हैं, केस को समाधान करने के लिए कोई नहीं है, कोई आगे आता नहीं है, कभी सोचता भी नहीं है, क्योंकि मैं इस केस का समाधान के लिए आगे बढ़ूं क्या या नहीं। शायद वो बढ़ना कोशिश करता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं पीछे उसको रोकने का कोशिश करेंगे। लेकिन ये केस ऐसा है, लेकिन बहुत आसान है, लेकिन चाहता हूं कि लोग सपोर्ट करें, लोग पास आए, लोग मुझे पूछें। फिर भी नहीं पूछने के बाद भी अगर मैं बता रहा हूं फिर भी लोग दूर हो जाते हैं। एक ऐसा केस है, एक ऐसी बात है, एक ऐसी चाल है और एक ऐसी एजुकेशन है लोगों के लिए। समझना सोचना लोगों के ऊपर है, जैसा जोन करेगा वैसा पाएगा सब जानते हैं, जो नहीं करेगा नहीं पाएगा ये भी जानते हैं। लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं लोग? इंसान का मजबूरी के टाइम में लोग हट जाते हैं, जब खुशी, जब उसके पास बहुत सारा कुछ ऐसी अचीवमेंट आ जाता है तो लोग उसके करीब आ जाते हैं। भाई अन्ना चाचा ए वो अमका ढेकी फलाना चक्की बोलते रहते और बोलते हुए नजर आते हैं। अगर बंदा मजबूर है, लेके आया आपके पास वो रिक्वेस्ट वो सवाल, लेकिन जवाब नहीं आपके पास, आप तो दूर भाग रहे थे।